हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज शाम को 5 बजे के अराउंड 156-33 156-33 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस जो है डिरेल हो जाती है दो मोहानी रेलवे स्टेशन के पास, जो कि दोस्तों वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, नॉर्थ बंगाल। तो दोस्तों पूरा हादसा होता है ये मायनागुड़ी और दो मोहानी रेलवे स्टेशन के पास के बीच में जो हादसा होता है। और रेलवे की ऑफिशियल रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक इसके अंदर करीबन 3 लोगों की जान चली गई है और लगभग 20 लोग जो है घायल हैं। दोस्तों यात्रियों की अगर माने जो इस ट्रेन में सवार थे तो उनके अकॉर्डिंगली एक बहुत तेज झटका लगता है ट्रेन को और पल भर के अंदर ही जो है ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं वो उथल पुथल मच जाते हैं और ये पूरा हादसा जो है हो जाता है। अब थोड़ा टू बी प्रिसाइज चलें अगर तो ट्रेन 4:53 पर शाम के न्यू दो मोहानी रेलवे स्टेशन से निकलती है और मायनागुड़ी स्टेशन के ब्लॉक सेक्शन में एंटर होने से पहले पहले ये जो है पूरा हादसा हो जाता है। अब इससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला कि ये हादसा क्यों हुआ, क्या पटरी बदलते वक्त हादसा हुआ, ट्रेन के पहियों में कोई प्रॉब्लम थी, मेंटेनेंस को लेकर के कोई इशू था। खैर, इंडिया टीवी पे छपे एक आर्टिकल की माने तो उसमें ये मेंशन है कि ये हादसा जो है कुछ ट्रैक्स में क्रैक होने के कारण हुआ है। हालांकि ऑफिशियल रिपोर्ट अभी तक इसके ऊपर कोई नहीं आई है रेलवे की तरफ से, बट रेलवे ने सबसे अच्छा काम ये क्या किया है कि एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है बिठा दी है इसके ऊपर, और जो चेयरपर्सन ऑफ रेलवे है और डायरेक्टर जनरल ऑफ सेफ्टी जिसके ऊपर मैंने वीडियो पहले बनाई थी वो जो है दिल्ली से निकल चुके एक्सीडेंट साइट के लिए। हालांकि हमेशा की तरह रेलवेज ने इस हादसे के ऊपर होने वाले नुकसान के लिए कॉम्पेंसेशन भी अनाउंस कर दिया है। तो अगर किसी इंसान की इसमें मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन है, और अगर किसी को ज़्यादा कोई घायल हो जाता है तो उसके लिए 1 लाख रुपए, और अगर किसी को नॉर्मल कोई छोटा मोटा इंजरी हुई है तो उसके लिए 25,000 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों ये हादसा अपने आप में ना बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है रेलवे के लिए भी, बिकॉज पिछले 3 साल में भारतीय रेलवे के अंदर ऑन बोर्ड पैसेंजर्स की एक जो डेथ वाला मामला होता है वो सामने नहीं आया है। खैर दोस्तों, रेलवेज ने हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी जो है जारी कर दिए हैं, तो अगर आपका कोई बंधु दोस्त मित्र यार आसपास का जानने वाला इस हादसे में या इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था तो आप उसकी जानकारी के लिए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों यही था इस हादसे के अंदर, देखते हैं पूरी खबर और पूरी रिपोर्ट जो है कब निकल कर आती है। क्या दोस्तों एक मानवीय भूल थी या किसी ने जानबूझ के कुछ पटरियों को उड़ाया था जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स मेंशन भी है, वो तो दोस्तों हमें वक्त ही बता सकता है। खैर, बस हम रेलवे से यही उम्मीद कर सकते हैं कि वो इस हादसे से भी सीख करके आने वाले वक्त में अपने सिस्टम को और जो है रोबस्ट बनाएगा और इस टाइप की घटनाएं हमें आगे देखने को नहीं मिलेंगी। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।